तुन 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 तुन। ये अगर सत्संग या मंडली में बजेगा तो कुछ ऐसे बजेगा पंचायत थीम सॉन्ग हाँ तो पहले दो सीजन में लॉकी ने जो करतब दिखाई थी सीजन थ्री में लॉकी के साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में दिखेगा बांस बांस और वो वो भी आगे से से तेज हुआ हुआ तीखा वो तीखा क्यों है किस लिए है किसको दिया जाएगा वो सब आप ना देख के आप खुद ही जान लेना क्योंकि हम पहले ज्यादा देंगे नहीं मेरा नाम अरमित मेरा नाम है निकिता और हमने देख लिया पंचायत सीजन थ्री एक शब्द में बोले तो भाई मजा आया वाकई में यार वो कहते हैं ना कि फुल पैसा वसूल बिल्कुल पोलिटिकल पोलिटिकल सोशल ड्रामा है गाँव की कहानी है और गांव की पॉलिटिक्स होती है और एकदम ना जैसे गांव की लाइफ होती है धीमी hmm. पेस है हाँ काम है चीजें और यार गर्मी में भी अगर पेड़ के नीचे सो के इतना मजा आ रहा है जैसे सीरीज में दिखाया है भाई मैं तो गाँव में शिफ्ट होना चाहता हूँ बिल्कुल लेकिन मेरी एक शिकायत रही हाँ, वो ये आिस्ता बनाने की स्लो बनाने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहा है यार मुझे तो मतलब सच बोलूं थोड़ा सा ऐसा नींद नींद भी आ रही थी क्योंकि मैंने रात में देखा था ये और थोड़ा सा मुझे इसका हाँ, पेस जो है वो स्लो लगा एपिसोड लगात वो ऐसा थोड़ा सा आपको सा आपको हल्का बोरिंग लग, लग सकता है है पता जो फर्स्ट वाला भी मैंने देखा ना फोर्टी सेवन मिनट लंबा था और उसमें भी क्योंकि सीजन टू दो हजार बाईस में आया था है ना तो वो दो साल के बाद हम देख रहे थे और रिवाइज करने को कुछ मिला नहीं है ना तो वो मुझे ऐसा थोड़ा वो होता है ना कि मेमोरी बिठाने में टाइम लग रहा था अच्छा ये ये है अच्छा ये ये करेगा अभी वो करेगा लेकिन फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड के बाद वो पेस बन जाती हाँ। है हां एक्टर्स की बात करें तो नीना गुप्ता संरीका सुनीता रजवाड़ जितेंद्र कुमार रघुबीर यादव चंदन रॉय और अपने बनराकस जी ब्रजेश कुमार अरे यार उनको कैसे भूल गए अपने प्रहलाद जी को भाई साहब वो है इस सीरीज के असली हीरो बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट हैं फैजल मलिक नाम उनका खा गए जितने हट्टे कट्टे हैं जितने लंबे जितने वजनदार हैं उतनी वजनदार इनकी परफॉर्मेंस है और पहले एपिसोड में उनका डायलॉग आता है क्योंकि सीजन टू में आपने देखे उनके साथ जो होता है जिस ट्रॉमा से वो गुजरते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए वो डायलॉग बोलते हैं कि

या फिर वो पीएम ग्रहण निवास योजना हो ये सारे टॉपिक्स को छूते हुए कॉमेडी है आपकी नब्स पकड़ लेगी मैं तो भाई दो तीन बार मिली तो आंखें थोड़ी सी ऐसी हो गई थी मैंने ये तो शाहरुख खान क्यों आ गया आपके अंदर थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान थोड़ी है तो बच्चन साहब ऐसे थोड़ा। बच्चन साहब अच्छा लगता है ये एडिट करवाना पड़ेगा से पहले तो सीजन में जो मेन स्टार कास्ट थी जितेंद्र कुमार रघुवीर यादव नीना गुप्ता इन तीनों की कहानी घूमती है बट सीजन थ्री में दुर्गेश कुमार और बनराकस अशोक पाठक जो अभी कुछ दिन पहले कांस गए थे भाई साहब उनकी फिल्म प्रीमियर हो रही जिसमें राधिका आपटे भी है और ऐसे लोग जब जाते हैं ना कैंस फिल्म फेस्टिवल में तो ऐसा लगता है यार वाकई में कहते कहते हैं हैं आप जम्मू से ही भाई अच्छा ठीक है बल्लभगढ़ में तो कांस कहते हैं

आप चाहे गुल्लक ले, ले लो आप चाहे तो एक्सपीरियंस ले।, ले लो पंचायत पंचायत ले लो भाई सब मजा आ गया यार मतलब अगर सामने सब होते ना मैं भी पा लेता हाँ। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं मतलब बाकी सारे तो लग रहे हैं कि यार गांव से निकले हैं ऐसी बातें करते होंगे ऐसे ही है ये लेकिन नीना गुप्ता यार जब वो प्रमोशन पे आई तो देखा मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है की भाई क्या फ्लिप है यार बंदी का है ना मतलब एक तरफ वो एकदम वो है पू है और उसमे एकदम पार्वती टाइप्स बनी है तो मुझे उनका कैरेक्टर और सीरीज में भी उनका काफी अच्छा काम है जिस तरह से वो हैंडल करती है situations. Uh -oh. Uh, कहानी की बात करें तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है अगेन जैसे मैंने बोला वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज बिना प्रीचो है ये नहीं ऑन द फेस आपको बोल रहे कि नहीं ये हाँ, होना, होना, होना चाहिए होना चाहिए औरतों को बढ़ावा दो नहीं भाई बहुत ही मजे से बहुत ही ह्यूमर का टच जो है वो देते और एक, एक एक डिटेल है मतलब अगर गाँव में वो बनराकस अगर वो मसाला खा रहा है तो उसके दांत गंदे हैं और अगर वो एम एल ए है ठीक है एम एल ए अगर वो है तो घड़ी भी उसने सिटीजन की पहनी है अरे यार वो जो जो शुरू में आता है जो नया सचिव आता है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा हाँ और हाँ तो, हाँ वो मतलब शकल से देखने में लग रहा था कि कि वो ये पैदा ही हुआ बनने के, के लिए सचीव बनने के लिए हुआ है और वो जैसे डर रहा है कि ऐसे एमएलए का विधायक जी का हाथ है हमारे हाँ हाँ सर के ऊपर हाँ तो वो क्या, जो डायलॉग्स है मतलब कुछ भी ऐसा नहीं नहीं लग लग रहा थोपे हुए रहे और एक सीन है होता क्या है कि दो गुटों में लड़ाई होने वाली होती है hmm. और बीच वाला समझौता कराने की की कोशिश hmm. करता है है उसका फोन बचता है, फोन बजता रिंगटोन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसी बहुत सी चीजें आपको hmm. इस सीरीज में देखने को मिलेंगी और अगर इस सीरीज की रेटिंग की बात करेंगे तो हम देंगे भाई इसको पांच में से कितनी लौकी चार लौकी और सपोर्टिंग में एक बांस का डंडा तीखी नोच वाला बिल्कुल। so, एक में दे कि हल्का सा स्लो बेस पे है ये तो अगर आपको वैसी चीजें नहीं पसंद हैं, तो कोई नहीं मतलब फिर भी देख लो यार इतना तो ही सकते हो एक अच्छी सीरीज के लिए भाई इतना टाइम तो स्पेंड करना बनता ही बिल्कुल बाकी ऐसी वीडियोज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मेरा नाम है रमित मेरा नाम है निकिता देखते रहिए